हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सबों का अपने चैनल में जिसका नाम है नूतन्स वर्ल्ड। आज मैं आप सबों के लिए चटपटी धनिया की चटनी, जो कि धनिया और टमाटर की चटनी है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं, धनिया पत्ती की चटनी। और ये चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, इसे आप ज़रूर बनाएंगे और बना के हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम कुछ धनिया पत्ता लिए हुए हैं। ये धनिया पत्ता मैंने 3-4 दिन पहले का लिया हुआ है, लेकिन देखिए ये आज भी फ्रेश है। इसे मैं रखने का तरीका किस तरह से रखने का है, मैं इसे लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा कि इसे फ्रेश कैसे रखना है। तो ये मैंने 3-4 दिन पहले ही खरीदा हुआ है, देखिए कितनी फ्रेश है। अब मैं इसे ली हुई हूँ, देख लीजिए इतने अमाउंट में लेना, एक प्लेट लिए हैं। अब हम 4 टमाटर लेंगे और ये टमाटर को आपको गैस चूल्हा में एक जाली रख करके इसे पका लेना है। तो ये पकने के बाद इस तरह से दिखेगी, इस तरह से हमें जाली रख के पका लेना है। अब हम इसका छिलका पूरा हटा लेंगे, ये देखिए इस तरह से मैंने इसका छिलका पूरा हटा लिया। अब मैं इसे छोटी छोटी पीसेस में कट करूंगी। और लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो ये दोनों मैंने इस तरह से लिया है। अब ये तेल लेना है, ये तेल सरसों का है और ये आपको 1 से 1.5 चम्मच यहाँ यूज़ होगा। यहाँ 1 चम्मच मैंने यहाँ नींबू का रस लिया है, ये मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन की ली हुई है। और यहाँ पे आप अपना तीखा जितना पसंद करते हो उस हिसाब से आप यहाँ मिर्च ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया हुआ है, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। और ये काला नमक है तो इसे भी 1/2 चम्मच लेना है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाट मसाला भी लिया हुआ है, तो इसे भी यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने धनिया पत्ता को छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी एक एक करके, अब मैं इसमें मिर्च डालूंगी, स्वाद अनुसार मैंने इसमें मिर्च डाल दिया। अब जितनी लहसुन की कलियां ली हुई थी उसको भी डाल देना है। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। अब इसे मैं अच्छी तरह से पीस लूंगी। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ, ये देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें काला नमक मिलाऊंगी, क्योंकि नमक तो पहले ही मैं मिला चुकी थी, अब मैं इसमें काला नमक मिला रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें काला नमक डाल दिया। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डालूंगी, अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब ये मैंने यहाँ चाट मसाला लिया हुआ है, ये भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच नींबू का रस है। अब ये सारे को मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिला लिया। अब इसे मैं एक बाउल में, छोटी वाली बाउल में मैं निकाल रही हूँ। तो लीजिए ये रेडी है पूरी तरह से खाने के लिए। अब ये आप अपने घर में बनाइए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत चटपटी होती है। ये आप रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और साथ ही प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये रेसिपी पहुँचे और वो भी इसकी स्वाद का आनंद उठा सके। थैंक्स।